फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज वाटर इन द चैप्टर सेकंड। दिस इज योर पार्ट सेकंड, पार्ट एट। दिस इज योर पार्ट एट। यू कैन लर्न वाटर इन दिस। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वाटर। ओके, सो वाटर इज नीडेड। वाटर क्यों जरूरी है, मतलब वाटर अपन के लिए क्यों ज़रूरी है। वाई वी नीड वाटर, वाई वी नीड वाटर। वी वाटर इज नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से रीज़न के लिए वाटर अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो है टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड टू द बॉडी सेल्स। तो जैसे कि ये राम है, अच्छा मैं आपको एक पिक्चर, मेरे पास है, मैं उस पिक्चर से बताती हूँ आपको। शी इज अ गर्ल, ठीक है। इफ शी विल नॉट ड्रिंक दिस वाटर और ईट ओनली फूड एंड इन हर बॉडी पार्ट्स फूड नॉट गॉन, सो डज शी विल गेट अलाइव? No, she will not get alive because food is important. I have told you in the chapter first that food is very important for us. Okay, so water is also important for us. If we will not eat water, so food will not circulate, and if food will not circulate, we will be dead. That's why water is important. Now the next is to transport important chemicals such as hormones. If she will not eat, drink water, the hormones will circulate, transport, no. One minute, I will write for you. Hormones will not circulate. Okay, these are chemical. Okay, this chemical will not circulate. Okay. Now next is to get rid of waste products from water. तो जो रेड रहती है, जैसे कि जो गल अपन जैसे कि खाते हैं जंक फूड, रुको मैं बताती हूँ, जैसे कि भी हम लोग खाते हैं जंक फूड लाइक मैगी पास्ता, दीज ऑल वी आर ईटिंग, दैट इज कॉल्ड द रेड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब है अपने वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी के लिए जो ज़रूरी नहीं वो निकालने के लिए वो वाटर पीना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद है टू कंट्रोल द रेगुलेट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसे कंट्रोल में रखने के लिए वाटर पीना। अगर अपन बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे तो भी अपन को कुछ बीमारी लग सकती है, और बहुत ठंडी रहेंगे तो भी अपन को कोई बीमारी लग सकती है। इसलिए वाटर पीना इसलिए भी ज़रूरी है कि अपनी बॉडी का जो मैं बता देती हूँ, अपनी बॉडी का टेम्परेचर सही हो। ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर सही रहे। अब अपना नेक्स्ट है, मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अब अपना नेक्स्ट है वी नीड मोस्ट ऑफ द वाटर। अब अपन को सबसे ज़्यादा वाटर की क्यों ज़्यादा ज़रूरत है, दैट आवर बॉडी नीड्स वाइल ड्रिंकिंग टी कॉफ़ी। मतलब अपन को वाटर सबसे ज़्यादा किस इन चीज़ों से मिलता है, तो मोस्ट वी गेट फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क टी कॉफ़ी एंड जूस एक्सेट्रा। द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस लॉट ऑफ, क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉट ऑफ वाटर। ये सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है वाटर, ये वाटर है। ठीक है, तो अपन को क्या मिलता है, लॉट ऑफ वाटर मिलता है किससे, वेजिटेबल्स से, फ्रेश फ्रूट्स से, जूसेस से, कॉफ़ी से, टी से और मिल्क से। इसलिए मिल्क पीना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन को उससे क्या मिलता है,
वाटर मिलता है। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया है आपको, ये जो एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ये उनके लिए है। अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो जो स्कूल की स्टडीज़ कर रहे हैं, मतलब जो सिक्स क्लास की स्कूल की स्टडीज़ कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊँगी, क्योंकि ये अब मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी उन्हें, इसलिए अब मैं उन्हें ये बताऊँगी, अब मैं उन्हें क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी। सो अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स इसमें क्या है। ठीक है, तो ये इसमें ये जो वाटर का क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी बुक में, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये दो पार्ट्स में। तो अपन सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है वाटर। अब अपना क्वेश्चन क्या है पहले पार्ट का, स्टेट द फंक्शन ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। तो ये है, वाटर इज़ नीडेड बाय द अवर बॉडी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। टू फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड टू द बॉडी सेल्स। सेकेंड है टू ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल सच एज हारमोन्स। थर्ड है टू गेट रेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। फोर्थ है टू कंट्रोल द रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, हाउ वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय अवर बॉडी। तो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स वाइल ड्रिंकिंग टी, मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड जूसेस। द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो प्रोवाइड अस लॉट ऑफ, what is this, this is not milk, this is water, lot of water. Okay, so thank you for watching my video, and any things you want you can comment me, I will give you and you if you want to watch my last video you can go in description and watch it from that. Thank you.